नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ। आप देख रहे हैं क्या न्यूज। आप हमसे जुड़े, हम आपको कराएंगे समाचारों से रूबरू। अब सार्वजनिक स्थलों पर यत्र तत्र थूकने पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर नियमानुकूल कार्रवाई। डीएम मधुबनी। समाचार विस्तार से। मधुबनी जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने मधुबनी जिला के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा रोड, गली, सरकारी गैर सरकारी कार्यालय परिसर, सभी स्वास्थ्य परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान परिसर तथा सभी थाना परिसर आदि में किसी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा आदि का उपयोग कर यत्र तत्र थूकने पर प्रतिबंध लगाया है। यदि कोई व्यक्ति, पदाधिकारी, कर्मचारी या आगंतुक उक्त आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उल्लंघनकर्ताओं पर नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। उक्त आदेश के अनुपालन हेतु सभी पदाधिकारियों को डीएम ने निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। यत्र तत्र थूकने की प्रवृत्ति जन स्वास्थ्य के लिए खतरा है और संचारी रोगों के फैलने का एक प्रमुख कारण है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारियों यथा कोरोना, इंसेफलाइटिस, यक्षमा, स्वाइन फ्लू आदि के संक्रमण की प्रबल संभावना रहती है। तंबाकू, पान मसाला आदि का सेवन करने वाले लोग गंदगी फैलाकर वातावरण को दूषित करते हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों के फैलने के लिए उपयुक्त परिस्थिति तैयार होती है। अगर कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध अथवा उपेक्षापूर्ण कार्य करेगा, जिससे मानव जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव हो, उस व्यक्ति को 6 मास की अवधि का कारावास अथवा 200 रुपया तक के जुर्माना से दंडित किया जा सकता है। कोरोना वायरस एवं अन्य बीमारियों के फैलाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिलाधिकारी द्वारा मधुबनी जिला के सभी सार्वजनिक स्थलों, रोड, गली, सरकारी गैर सरकारी कार्यालय परिसर, सभी स्वास्थ्य परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थान परिसर तथा सभी थाना परिसर आदि में किसी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला व जर्दा आदि का उपयोग कर यत्र तत्र थूकने पर प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में खाद्य सुरक्षा आयुक्त कार्यालय बिहार पटना के आदेश के आलोक में गुटखा के उपयोग पर लगाया गया प्रतिबंध भी वर्तमान में लागू है। यदि कोई व्यक्ति, पदाधिकारी, कर्मचारी या आगंतुक उक्त आदेश का उल्लंघन करते हैं तो उल्लंघनकर्ताओं पर नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश के अनुपालन करने हेतु सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। इधर जिलाधिकारी ने नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी से भी स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें जिलाधिकारी ने एक दैनिक समाचार पत्र में 6 अप्रैल के अंक में प्रकाशित समाचार, जिसका शीर्षक शहर में सफाई के नाम पर हो रही लूट खसोट का प्रेस कतरन के अवलोकन करने पश्चात मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मधुबनी से प्रकाशित समाचार में उल्लेखित तथ्यों के संबंध में सभी बिंदुओं पर पत्र प्राप्ति के 2 दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है। आपको क्या न्यूज का समाचार यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही इसे अन्य ग्रुप में भी फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।